नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। क्या कभी आपने सोचा है कि जो ये व्यवस्था है वक्त देखने की, तारीख देखने की या फिर समय को समझने की, वो व्यवस्था कितनी मायने रखती है? जरा सोच के देखिए कि अगर घर में कैलेंडर ना होता, तारीख देखने का तरीका ना होता या वक्त देखने का कोई भी तरीका इस्तेमाल ना होता, घड़ी ना होती, तो क्या होता? अब आप इस बात को इस तरह से समझिए कि अगर कैलेंडर न होता तो ये भी न पता होता कि कौन सी घटना किस दिन हुई थी या कौन सी चीज़ किस दिन होनी है या कौन सा त्यौहार कब आना है, कौन सी ऐतिहासिक चीज़ें जो पहले हुई वो आखिर किस तारीख को हुई थी, किस वक्त हुई थी, कितने बजे हुई थी। ये सब देखने के लिए कैलेंडर का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या कैलेंडर ही सब कुछ तय करता है? और अगर सब कुछ तय करता है तो हमारे कैलेंडर्स कितने सही हैं? और अगर कैलेंडर सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, तो ये ज्योतिष, ये भविष्यवक्ता, ये भविष्यवाणियाँ और ये जो सब कुछ देखने और समझने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए चीज़ें हैं, वो कितनी सही हैं? आज हम अपनी कहानी में इसी बारे में बताएंगे कि आखिरकार जो वक्त हम जानते हैं, जो तारीख हम सुनते हैं या देखते हैं या जिसके बारे में हम रिलेट करते हैं कि इस तारीख को ये चीज़ हुई थी, इस वक्त ये घटना घटी थी, वो कितनी सही है? और अगर ये चीज़ सही नहीं है और इसमें भी कोई झोल है, तो आखिरकार आज तक की जो जानकारियां हमारे पास हैं वो क्या सब अधूरी हैं? या फिर वक्त, तारीख और दिन के हिसाब से वो सारी चीज़ें गलत हैं? ये बात है साल 2013 की। रोम में कुछ पुरातत्वविदों ने एक जानकारी निकाली। वो खुदाई कर रहे थे, उनको एक जगह पर 12 गड्ढे मिले। उसके बारे में जब जानकारी जुटानी शुरू हुई तो पता चला कि पहले के वक्त में समय देखने के लिए इन गड्ढों का इस्तेमाल होता था। किसान, वैज्ञानिक, तमाम और दूसरे लोग उन गड्ढों का इस्तेमाल करते थे वक्त समझने के लिए, यानी कि किस वक्त क्या वक्त हुआ है, क्या समय हुआ है, उसके हिसाब से खेती की जाती थी, उसके हिसाब से तमाम चीज़ें लागू की जाती थी और उसके हिसाब से ही जानकारी इकट्ठा की जाती थी कि किस दिन क्या वक्त हुआ है। लेकिन कैलेंडर का चलन उससे भी पहले से था। वक्त की जानकारी इसी तरीके से सिंबल से ली जाती थी। हम सब जानते हैं कि जो वक्त या फिर जो कैलेंडर या फिर जो चीज़ें हैं, जो समय को लेकर के चीज़ें हैं, वो सब कुछ रिवॉल्व होती हैं सूर्य और उसके आसपास जो चक्कर लगाते हैं ग्रह, खास तौर पर हमारा ग्रह पृथ्वी। यानी सूर्य के जो चक्कर लगते हैं उसी से तय होता है महीना, साल और वक्त। पृथ्वी जितने दिन में एक चक्कर लगाती है उतने दिन में एक साल होता है। आज की तारीख में ये माना जाता है कि ये वक्त होता है 365 दिन का, यानी सूर्य के पृथ्वी एक चक्कर लगाने में 365 दिन लेती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले ये वक्त कभी 355 दिन भी माना जाता था, 322 दिन भी माना जाता था और कभी तो ये भी था कि इसमें इतनी गड़बड़ियां सामने आई जिसकी वजह से वक्त ही बदलना पड़ा। ये कहानी शुरू होती है तब से जब रोम में एक राजा हुआ करता था, जूलियस सीजर। बहुत से लोगों ने किताबों में उसके बारे में पढ़ा होगा। बहुत महान सेनापति था। अपने राज्य के लिए उसने बहुत कुछ किया, तरक्की के लिए, विकास के लिए, तमाम युद्ध जीते, तमाम खजाना बढ़ाया और तमाम ऐसे इंतजाम किए जिसकी वजह से जूलियस सीजर का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन उसी जूलियस सीजर को उसी के लोगों ने सीनेट में मार दिया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। और हत्या भी उस वक्त की गई थी जब लोग जश्न मना रहे थे, खुश हो रहे थे किसी जीत को लेकर, किसी चीज़ के हासिल होने के बाद जश्न मना रहे थे, और ऐसे में जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई। जब ये हत्या की गई उसके बाद तमाम लोग बहुत दुखी हुए, तमाम विरोध प्रदर्शन हुआ, लोगों की मांग हुई कि जूलियस सीजर को हमेशा अमर रखने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। तो उस वक्त तय किया गया कि जो 44वीं सदी में कैलेंडर इस्तेमाल होता था, जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते थे, वो कैलेंडर अब जूलियस सीजर के नाम पर होगा। यानी कि उस कैलेंडर में एक महीने का नाम रखा गया जिसको बोलते हैं जुलाई का महीना। जुलाई का महीना जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया। उस वक्त फरवरी साल का आखिरी महीना होता था और मार्च होता था पहला महीना, और मार्च में उस वक्त 31 दिन होते थे लेकिन फरवरी में 30 दिन होते थे। अब यह हुआ कि जुलाई के महीने में अगर नाम रखा जाएगा जूलियस सीजर का तो उसका क्या असर होगा? लेकिन जूलियस सीजर के नाम पर जब इन महीने का नाम रखा गया, उसके बाद तमाम चर्चाएं हुई, तमाम बातें हुई, तमाम डिस्कशंस हुए और उसके बाद सब लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया कि ये जो कैलेंडर है
उस कैलेंडर को जूलियन कैलेंडर के नाम से जाना जाएगा। लेकिन जूलियस सीजर के मारे जाने के बाद फिर से गद्दी पर बैठने के लिए जो राजा आया उसका नाम था अगस्तीन। उसने भी आने के बाद जब उसको जानकारी हुई कि जूलियस सीजर की शान में जुलाई महीने का नाम रखा गया और उसमें 31 दिन होते हैं, तो उसने भी तय किया कि मेरे नाम से भी एक महीने का नाम होना चाहिए। और फिर इस पर चर्चा हुई तो अगस्त महीना सामने आया, यानी अगस्त का महीना उसके नाम पर रखा गया। लेकिन उस वक्त अगस्त में कम दिन हुआ करते थे, यानी 30 दिन का ही महीना था। बल्कि उस वक्त जिस वक्त ये राजा बना उस वक्त अगस्त के महीने में 29 दिन ही हुआ करते थे। लेकिन अगस्तीन चाहता था कि उसके नाम पर अगर किसी महीने का नाम रखा जाए तो उसकी शान और शौकत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उससे पहले जूलियस सीजर के नाम पर जिस महीने का नाम रखा गया था, यानी कि जुलाई का महीना, उसमें 31 दिन होते थे। लिहाजा उसने कहा कि मेरे महीने में भी 31 दिन होना चाहिए। उसने जब ये बात कही तो समस्या ये आ गई कि आखिरकार ये दो दिन लाए कहाँ से जाए, क्योंकि तब तक अगस्त के महीने में 29 दिन ही हुआ करते थे। तो आखिर में जब तमाम चर्चा और तमाम इस पर डिस्कशन हुआ, उसके बाद तय किया गया कि इसके लिए महीना अगर लाया जाएगा अगस्त का, तो अगस्त के महीने में 31 दिन करने के लिए किसी महीने से दो दिन बोरो करने पड़ेंगे, यानी दो दिन किसी महीने से बदलने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, और उसी को अगस्त में बढ़ाया जाएगा। और आखिरकार जो ये पूरी चर्चा थी वो जाकर टिकी फरवरी के महीने में, क्योंकि बाकी सारे महीने सेट थे। और इनके अलावा अगर फरवरी के महीने से दो दिन निकाल लिए जाएं तो फिर अगस्त में 31 दिन हो सकते थे और फरवरी में बचते थे 28 दिन, यानी कि 28 दिन फरवरी में जाने लगे, क्योंकि अगस्तीन जो राजा था जिसके नाम पर अगस्त महीने का नाम पड़ा उसके महीने में दो दिन जोड़े गए, इसकी वजह से फरवरी में बचे 28 दिन। बाकी महीने 30 या 31 दिनों के होते थे, लेकिन जो फरवरी का महीना था वो 28 दिन का हो गया। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा, राजशाही चलती रही, दुनिया में इसी कैलेंडर को मान्यता दी गई और इसी कैलेंडर के जरिए लोग वक्त जानते थे, दिन जानते थे, तारीख जानते थे। सारी प्लानिंग, सारा इतिहास, सारी जानकारियाँ इसी कैलेंडर की तारीखों के आधार पर रखी जाती थी। पूरी दुनिया में ये चीज़ स्वीकार की जा चुकी थी, इसीलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यही अब सच था कि इस कैलेंडर में जितने दिन होते हैं, जितने महीने होते हैं, वो सब सबके लिए एक जैसे तय हैं। लेकिन मुश्किल तब आई जब कई सालों के बाद एक नया पोप रोम में आया। जो रोम के पोप थे इनका नाम था ग्रेगरी, और वो बहुत जानकार आदमी थे, उनकी बात को सब लोग मानते थे क्योंकि वो साइंटिफिक तरीके से बात करते थे। जब उन्होंने रिसर्च की, अध्ययन किया, तो पता चला कि पृथ्वी जो ये चक्कर लगाती है ये एक्चुअल में 365 दिन में नहीं लगाती है, बल्कि 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। यानी कि पृथ्वी के चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, उसकी वजह से हर चौथे साल एक नया दिन पैदा हो जाता है। 6 घंटे जो हर साल बढ़ते हैं वो मिल करके 24 घंटे चार साल में हो जाते हैं, और उन 24 घंटों की वजह से एक नया दिन पैदा हो जाता है। और ये बड़ी गड़बड़ी है कि आखिरकार ये एक दिन गया कहाँ, क्योंकि अगर इसी तरीके से हम फॉलो करेंगे और 365 दिन और 6 घंटे ही होते रहेंगे तो हमारा कैलेंडर, हमारा वक्त, हमारे ग्रहों की दशा, दिशा सब कुछ बदल जाएगी और हम सब चीज़ गलत देखते रहेंगे। हालांकि उस वक्त तमाम चीज़ें इतनी अत्याधुनिक नहीं थीं, फिर भी जो गणनाएँ होती थीं, जो कैलकुलेशंस होती थीं और जो जानकारियाँ होती थीं वो बहुत साइंटिफिक होती थीं, और इसको जानने वाले लोग एक एक चीज़ गुणा गणित करके देखते थे और उसके आधार पर सही चीज़ें निकालते थे। इसके बाद फिर से एक बार चर्चा शुरू हो गई कि आखिरकार जब केवल 365 दिन होते ही नहीं हैं तो हर साल हम वक्त में पीछे होते चले जा रहे हैं। चर्चा हुई, इस पर फैसला किया गया कि हमें एक दिन चौथे साल में बढ़ाना पड़ेगा, यानी हर चार साल पर जो एक दिन पैदा हो जाता है उसको भी जगह देनी होगी। फिर से तय किया गया कि आखिरकार जो एक दिन बढ़ जाता है 365 दिन और 6 घंटे के हिसाब से उसको कहाँ एडजस्ट किया जाए। तो उस वक्त 12 महीने में फरवरी के महीने में 28 दिन हुआ करते थे, यानी सबसे कम दिन फरवरी के महीने में थे। इसलिए तय ये किया गया कि हर चौथे साल 29 फरवरी को वक्त दिया जाएगा, यानी एक दिन जो बढ़ाया जाएगा वो 28 फरवरी के बाद का दिन होगा और फरवरी के महीने में अब 29 दिन होंगे, यानी हर चौथे साल फरवरी 29 दिन की होगी और बाकी चारों साल से पहले वो तीन साल तक 28 दिन की ही मानी जाएगी। और इसी के चलते ये जो लीप ईयर है, जिसको लीप ईयर बोला जाता है, वो अस्तित्व में आया, यानी हर चौथे साल फरवरी में जो 29 दिन होते हैं वो इसी गणना की वजह से आए, इसी गणना की वजह से अस्तित्व में आया।
अब इसी वजह से तमाम लोगों को बहुत दिक्कतें भी होती हैं, क्योंकि जिनका जन्म 29 फरवरी को हुआ हो, एनिवर्सरी हो, उनके साथ जीवन में कुछ भी खास हुआ हो या फिर कोई ऐसा ऐतिहासिक वक्त हो वो 29 फरवरी को हुआ हो, वो हर चौथे साल ही आ पाता है। वो 3 साल तक इंतज़ार करते हैं और उसके बाद चौथे साल ये वक्त देखने को मिलता है। और ये 29वां दिन जो फरवरी में आया वो इसी गणना की वजह से आया, इसीलिए पोप ग्रेगरी के नाम से एक नया कैलेंडर बना। उस कैलेंडर को कहा गया ग्रेगेरियन कैलेंडर, यानी कि जो जूलियन कैलेंडर था उसके बाद जो नया कैलेंडर आया वो आया ग्रेगेरियन कैलेंडर, और इसी कैलेंडर को अब पूरी दुनिया फिर से मानने लगी। यानी हर देश में अब तारीखें उस हिसाब से होती हैं जिसमें चौथे साल में 29 फरवरी होती है, बाकी 3 साल तक 28 फरवरी के ही दिन होते हैं, यानी फरवरी में 28 दिन ही होते हैं। सब कुछ फिर से ठीक चल रहा था, लेकिन फिर से एक बार गणना की गई तो पता चला कि ये वाकई में जो 365 दिन 6 घंटे होते हैं, ये 365 दिन 6 घंटे नहीं बल्कि इसके आगे कुछ सेकेंड्स भी होते हैं और वो शायद 56 सेकेंड हैं। यानी कि हर साल सूर्य के चक्कर लगाने में पृथ्वी जो देरी करती है, जो वक्त लगाती है, वो 56 सेकेंड तक और बढ़ रहा था। और ये सब अस्तित्व में आने के बाद एक बार फिर से चर्चा शुरू हुई कि आखिरकार जो ये वक्त है ये कहाँ एडजस्ट होगा। और इसके साथ एक और बड़ी चर्चा शुरू हो गई कि ये वक्त जो हमने फरवरी में एडजस्ट किया है, यानी एक दिन जो 28 फरवरी के आगे 29 फरवरी किया है, उसके अलावा जो सालों साल सदियों तक ये वक्त कम होता रहा, आखिरकार उसका कैलेंडर पर कैसा असर आएगा। यानी अभी तक आप समझ चुके होंगे जो ये कैलकुलेशंस हुई और उसमें गड़बड़ियां हुई, देरी हुई, बाद में एडजस्टमेंट हुआ, उसकी वजह से पूरा का पूरा कैलेंडर और समय सारणी गड़बड़ हो चुकी थी। यानी आज की तारीख में जो हम जानते हैं दिन, तारीख, महीना, वो नहीं है जो अस्तित्व में होना चाहिए। ये उन गणनाओं के आधार पर है जो उस वक्त की गई और उसके बाद जो बदलाव किए गए उसके आधार पर है। लेकिन अभी ये जो 56 सेकंड थे ये बदलते बदलते 26 सेकंड भी हो गए। इनकी गणना कहाँ है ये किसी को नहीं पता। और जब ये बात अस्तित्व में आई तो उसके बाद एक बार फिर से ये तय किया गया कि इसको भी ठीक किया जाना है, इसको भी दुरुस्त किया जाना है। चूंकि कैलेंडर ओरिजिनेट हुआ था रोम से, तो रोम से ही शुरुआत हुई। ये बात है 1582 की, अक्टूबर का महीना। 4 अक्टूबर 1582 को ये सरकार ने तय किया, राजा ने तय किया और पूरे सिस्टम ने तय किया कि हमने जो पिछले दशकों तक, सदियों तक गलत वक्त को कैलकुलेट किया है उसको दुरुस्त करने का एक ही तरीका है कि जो वक्त कम पड़ रहा है उतने वक्त को हम आगे बढ़ा दें। उस आधार पर जो कैलकुलेशन हुई वो उस वक्त 10 दिन का फर्क था, यानी कि पूरी दुनिया कैलेंडर को देख करके 10 दिन पीछे चल रही थी और उस 10 दिन को दुरुस्त करने का एक ही रास्ता था कि दुनिया को 10 दिन आगे कैलेंडर के माध्यम से बढ़ा दिया जाए। और फिर सरकार ने, राजा ने एक फरमान जारी किया जिसमें कहा गया कि 4 अक्टूबर 1582 को जो लोग सोएंगे वो अगले दिन 5 अक्टूबर 1582 को नहीं जागेंगे, बल्कि जब वो सुबह उठेंगे तो वो दिन जाना जाएगा 15 अक्टूबर 1582। यानी बीच के 10 दिन जो हैं उनको एडजस्ट करने का ये तरीका निकाला गया। इसीलिए इतिहास के पन्ने अगर आप उठा के देखेंगे तो 4 अक्टूबर 1582 से लेकर 14 अक्टूबर 1582 तक आपको कोई भी घटना देखने को नहीं मिलेगी। दुनिया के तमाम देशों ने इसको माना और इसी के चलते इन 4 से 15 अक्टूबर 1582 के बीच के दिनों को कहीं गणना में नहीं रखा गया। यानी ये दिन इतिहास से गायब हो गए, रिकॉर्ड से गायब हो गए, इनको गिना ही नहीं गया। ना इस दिन कोई घटना हुई, ना इस दिन कोई ऐसी बात सामने आई जिसको रिकॉर्ड में रखा जाए। यानी कि दुनिया के पटल से इन 10 दिनों को हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। ये बेहद हैरान करने वाली बात है, लेकिन ये सच है और इतिहास में ये भी दर्ज है। उसके बाद तय ये किया गया कि अब इस नए समय सिस्टम के आधार पर कैलेंडर्स बनाए जाएंगे और तय किया जाएगा कि समय कैसे आगे बढ़े। 1582 के बाद इसी कैलेंडर को फॉलो किया जाने लगा। जो आज की तारीख में हम कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं उसको ग्रेगरियन कैलेंडर बोलते हैं। और जो पोप ग्रेगरी ने कैलकुलेशन की थी उसके आधार पर जो समय का डिफरेंस आ रहा था उसी को कैलकुलेट करके पहले तो कैलेंडर में दिन बढ़ाए गए। इसी की वजह से हर चौथे साल फरवरी में 29 दिन होते हैं। और इसी के चलते पिछले इतिहास को सही करने के लिए, पिछली गलती को सही करने के लिए 10 दिन दुनिया को आगे बढ़ाया गया। कैलेंडर में तारीख 10 दिन बढ़ाई गई जिससे कि तमाम गड़बड़ियां जो हुई थी उनको दुरुस्त किया जा सके। और आज की तारीख में अब जो नई कैलकुलेशन हो रही हैं
तो ये जो 26 सेकेंड हर साल बढ़ जाते हैं वो भी कैलकुलेट हो रहे हैं, और वो जब कैलकुलेट होंगे तो इतिहास में जो सैकड़ों साल गुजर गए, जो तारीखों और कैलेंडर और वक्त के हिसाब से हम जानते हैं, उनकी कैलकुलेशन में भी बहुत फ़र्क आएगा। यानी कि जो ये फ़र्क आएगा वो इतना असर डालेगा कि जितनी गणनाएं हम करते हैं, चाहे वो ज्योतिष के लिए करते हों, चाहे एस्ट्रोनॉमी के लिए करते हों, चाहे अपने रिकॉर्ड्स रखने के लिए करते हों, चाहे अपने पर्सनल यूज़ के लिए करते हों, चाहे वो शादी ब्याह की एनिवर्सरी हो, बर्थ डेट हो, या फिर कोई भी चीज़ याद रखने के लिए करते हो, सब कुछ उथल पुथल हो सकती है। लेकिन ये 26 सेकंड की बात है, ये किस दिन दुरुस्त होगा नहीं पता, लेकिन ये बात सच है कि अगर सब कुछ गणनाओं के आधार पर होता है, सूर्य की गति से होता है, पृथ्वी के चक्कर से होता है, ग्रहों की दिशा और दशा से होता है, तो इस चक्कर लगाने को भी एक रिकॉर्ड की तरह रखना चाहिए और एक चीज़ इतनी दुरुस्त होना चाहिए कि गणनाएं सही हो सकें। ये बात और है कि आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि हर गणना को डिफरेंट तरीके से करके दुरुस्त कर लेते हैं, लेकिन अगर कैलेंडर्स के हिसाब से, तारीखों के हिसाब से, वक्त के हिसाब से और सूर्य की गति और पृथ्वी के चक्कर के हिसाब से चीज़ें देखी जाएं, तो जो हम जानते हैं वो है जो हमें बताया गया, लेकिन सच्चाई इससे एकदम अलग है। यानी जो ये 26 सेकंड का अंतर है और सदियों से आता जा रहा है, उसने इतना फ़र्क तो ज़रूर ला दिया गया होगा कि ज्योतिषी जो कैलकुलेशंस करते हैं, जो हाथ देख करके, राशियां देख करके, ग्रहों की दशा दिशा देख करके हमें और आपको भविष्य बताते हैं, या फिर जो तमाम कैलकुलेशंस और दूसरे इस्तेमाल के लिए की जाती हैं, वो सारी की सारी गलत हैं, संदिग्ध हैं और पूरे तरीके से भरोसा करने लायक नहीं है। यानी आज की तारीख में जिस दिन में, जिस वक्त में, जिस महीने में, जिस साल में हम जी रहे हैं, वो सब कुछ संदेह के दायरे में है कि क्या वाकई ये सही भी है या फिर कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी है। आगे शर्तिया कोई ना कोई साइंटिस्ट, कोई ना कोई इतिहासविद, कोई ना कोई आर्कियोलॉजिस्ट, कोई ना कोई जानकार व्यक्ति इस पर भी शोध करेगा और सच्चाई सामने आएगी। तो हो सकता है एक बार फिर से कैलेंडर को सही करने की जरूरत पड़े और फिर हम नई तारीख को फॉलो करें, लेकिन आज की तारीख में जो सच्चाई है वो ये कि हम 26 सेकंड के अंतर को आज भी उसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं जिस तरह से पहले पोप की जानकारी से पहले लोग गलत कैलेंडर को फॉलो करते थे और उससे भी पहले तमाम लोग करते थे। यानी कि जो हमारा वक्त, समय, दिन, तारीख, महीना, साल, वो सब संदेह के घेरे में है। तो ये थी कैलेंडर के इतिहास और वक्त की कैलकुलेशन पर आज की कहानी। अगली बार फिर किसी हैरान करने वाली कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।